बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आमतौर पर कंप्यूटर के बहुत से हिस्से होते हैं, लेकिन बेसिक जो बुनियादी हिस्से हैं वो सिर्फ चार हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा कीबोर्ड और चौथा माउस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम आउटपुट देख सकते हैं, जस्ट लाइक टीवी जिससे हम आउटपुट चीज़ें देख रहे हैं। सीपीयू कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं कंप्यूटर में। कीबोर्ड में नॉर्मली कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। माउस भी कीबोर्ड की तरह ही इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंट और सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ क्रिएट होते हैं कि क्या हम कंप्यूटर विदाउट कीबोर्ड के बगैर या माउस के बगैर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की के ज़रिए हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं बिना माउस के। लेफ्ट अल्ट्रा और लेफ्ट शिफ्ट और नम लॉक, इन तीनों को साथ प्रेस करना है, देन वो ऑप्शन आ जाएगा। कीबोर्ड के बगैर कंप्यूटर यूज़ करने के लिए ये प्रोसेस बताया गया है कि पहले आप विंडोज़ बटन और उसके साथ यू प्रेस करेंगे तो ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर ये ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को। हम कंप्यूटर बिना माउस और बगैर कीबोर्ड के भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसमें वॉइस के ज़रिए, उनको टच करके और इशारों से। इस वीडियो में हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर को यूज़ करना बिना माउस और कीबोर्ड के। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।